Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazreen aur sameen. Abhi Imran ke barseem aur lusan ke baad ek aur sawal pucha gaya hai ki janab ye bataye ki jo makai aur jawar ka chara hai us pe germination ke foran baad कौन से कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या कौन कौन सा स्प्रे और किस स्टेज पे करना कितना करना है। मेरी जान पहली तो बात यह है कि जर्मिनेशन से पहले सीड ट्रीटमेंट करें सोरगम की यानी ज्वार की भी और मकई के दानों की बीज की उसको बाकायदा अमीडा क्लोप्रिड से 5 से 7 ग्राम आप फी किलो बीज वो उसको सीड ट्रीट करें। यह तो हुआ अगर शुरू से ही महफूज करना है इनको बीज की वो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और अमीडा क्लोप्रिड ये ज़्यादा बेहतर है 5 से 7 ग्राम या फिर थाया मैथोजैम है थाया मैथोजैम 5 ग्राम पर किलोग्राम के सीड को वो आप उससे ट्रीट करें और जब उगाए और उस पर कीड़ों का हमला उससे बचने के लिए आप लैम्डा जो होता है ना लैम्डा साहलोथ्रीन लैम्डा साइलोथ्रीन जो है उसका वो गालबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400 ml पर एकड़ इस्तेमाल होता है या फिर बाई फेंथरीन 300 से लेके 350 ml पर एकड़ वो स्प्रे करें और 10 से 15 दिन के बाद जर्मिनेशन के बाद जब ये उगाए उसके 10 से 15 दिन बाद यानी आधा महीना बाद आप देख लें कि किस हद तक इंसेक्ट अटैक है। अगर तो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो फिर आप स्प्रे करें। फिर मेरी जान आप एक तो क्रॉप होती है ना जो चारे के लिए तो दूसरी होती है बीज के लिए तो जो बीज के लिए है उसके से उस पर तो आप जो दानेदार जहर है वो फ्यूराडान जो है वो मेज स्टेम बोरर के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूराडान या फिर फ्यूराडान कितना 8 किलोग्राम पर एकड़ आप वो करके फ्लड कर दें पानी लगा दें और या फिप्रोनिल जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा होती है फिप्रोनिल नहीं ये भी 6 किलोग्राम पर एकड़ यानी फ्यूराडान 8 किलोग्राम पर एकड़ है और फिप्रोनिल जो है वो आप कर सकते हैं 6 किलोग्राम पर एकड़। तो ये था मेरी जान आपका जो सवाल किया गया है कि जी सोरगम ये और मकई मेज़ दोनों के लिए मकई और ज्वार के जर्मिनेशन के बाद और बल्कि सीड ट्रीटमेंट का भी मैंने बता दिया कि किससे आपने करना है और बाद में जो स्प्रे करना है वो भी कर लें ठीक है और दानेदार भी जो पानी के साथ वो आपने लगाना है दुआओं में याद रखें यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह ताला और भी सवाल लेता हूँ मैं अभी ये सिलसिला चल रहा है आज 24 जनवरी 2021 हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है छोटा बड़े को चलने वाला बैठने वाले को बैठे हुए को और थोड़े लोग जो हैं थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें
یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، فی امان اللہ۔